खबर जयपुर से है, जहां राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने का प्रस्ताव पारित। जी हां, पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहे। मंच पर सिर्फ राहुल गांधी की फोटो लगाई गई। आपको बता दें कि अन्य नेताओं की फोटो यहां पर नहीं लगाई गई। कार्यकारिणी ने एक लाइन का प्रस्ताव यहां पर पारित किया है। राहुल को अध्यक्ष पद पर बने रहने और इस्तीफा अस्वीकार करने का प्रस्ताव यहां पर इस बैठक में पारित किया गया। कार्यकारिणी की बैठक से पहले पायलट ने नेताओं के साथ चर्चा की। पायलट ने ज्योति खंडेलवाल और अर्चना शर्मा से चर्चा की। ज्योति खंडेलवाल ने अर्चना शर्मा पर आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव में सहयोग नहीं किया उन्होंने। आपको बता रहे जयपुर से खबर, जहां पर बैठक से पहले पायलट ने कई नेताओं से यहां पर चर्चा भी की और राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने का जो प्रस्ताव है यहां पर पारित किया गया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं, बैठक हो चुकी है, क्या कुछ मुख्य बिंदुओं पर यहां पर चर्चा की गई? देखिए लवीना, बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक का मुख्य एजेंडा जो एक लाइन का प्रस्ताव था वो पारित हुआ है। राहुल गांधी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, इसके लिए पिछले दिनों केंद्रीय कार्य समिति की जो बैठक CWC की बैठक हुई थी, उस बैठक में केंद्रीय कार्य समिति की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, उनके इस्तीफे स्वीकार किया जाए और उनको संगठन में आमूलचूल परिवर्तन का अधिकार दिया जाए। जी, ऐसे में पूरी तरह से आज इस प्रस्ताव का प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में समर्थन किया गया। जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव का प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम जो प्रदेश कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। साथ ही राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, इस प्रस्ताव को केंद्रीय कार्य समिति को भेजा जाएगा कि राहुल गांधी की एकजुटता में, कांग्रेस पूरी एकजुट है राहुल गांधी के नेतृत्व में और उनके जो सहयोग और उनकी मेहनत है उस पर कांग्रेस पूरा विश्वास व्यक्त करती है। जी दिनेश, ये बताएं कि ज्योति खंडेलवाल ने अर्चना शर्मा पर जो आरोप लगाया था चुनाव प्रचार के दौरान सहयोग नहीं करने का, इस पर भी चर्चा की गई, इस पर भी बात की सचिन पायलट ने दोनों से? देखिए लवीना, जिस तरह दो दिन पूर्व ज्योति खंडेलवाल की ओर से बयानबाजी की गई थी, आज बैठक से पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे और जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं वो भी इस पीसीसी कार्यालय में मौजूद थे। तो उन्होंने बैठक कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी है किसी तरह की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करें जिससे संगठन को नुकसान हो, ऐसी समझाइश की गई है। जी लवीना। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता रहे हैं, जयपुर में पीसीसी की ये बेहद अहम बैठक आयोजित हुई जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।